नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सत्तारूढ़ जेएमएम सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये हमारी बहनों और बेटियों की ताकत है जो इस बेईमान जेएमएम कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ी है। ये इनके अत्याचार, अन्याय और आतंक को समूल नष्ट करने की ताकत है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ये हमारी रोटी बेटी माटी की रक्षा करने की ताकत है। ये हमारे विकास और उन्नति के लिए समर्थन है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की ताकत है। शिवराज सिंह लगातार झारखंड का दौरा कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ उन्होंने राजधानी रांची में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। शिवराज ने कहा कि जनजातीय अस्मिता की रक्षा और संस्कृति के संरक्षण के लिए झारखंड वासियों में खासा उत्साह है। शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के खातों में पैसे डाल रही है। झारखंड में भी सरकार बनते ही बहनों के खातों में 2100 रुपये डाले जाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। एक इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए झारखंड में बीजेपी के चुनाव उप प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। आज झारखंड में लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि घुसपैठिए नहीं आ रहे हैं। मैं पूछता हूं कि संथाल परगना में मुस्लिम आबादी 10% से बढ़कर 34% हो गई, क्या ये यहाँ के मुसलमान हैं? हेमंत सोरेन सिर्फ वोट बैंक के दलाल हैं। अगर वे वोट बैंक के दलाल नहीं हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि वे घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। अब ऐसे में जिस तरह से झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच एक सियासी खींचतान देखने को मिल रही है, उस सियासी खींचतान के बीच अब कहीं ना कहीं झारखंड का चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो हो सकता है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आए। अब देखना यही होगा कि मुकाबला किस मुकाम पर आकर ठहरता है और आखिर झारखंड में सरकार किसकी बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।